हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है। 2024 के एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है। आपका जो है पीएससी प्री के साथ साथ आपके मेंस के लिए काम आएगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ आपका व्यापक में हॉस्टन वार्डन प्रयोगशाला हो गया, टीचर भर्ती हो गया, और आपका सीजी पुलिस हो गया। इन सभी एग्जाम को जो है और वैकेंसी आने वाली उन सभी एग्जाम को देखते हुए जो क्वेश्चन कंटेंट को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की जो गायिका है ममता चंद्राकर, इसका तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध जो छत्तीसगढ़ की गायिका है ममता चंद्राकर, ये जो किसकी पुत्री थी? वासुदेव चंद्राकर जी, महाशय चंद्राकर जी, अग्नि चंद्राकर जी, या डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव चंद्राकर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो गायिका है ममता चंद्राकर, ये जो किसकी पुत्री थी? तो वासुदेव चंद्राकर जी की थी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती ममता चंद्राकर का संबंध किससे है या किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? राजनीति से, छत्तीसगढ़ गीत गायन से, साहित्य या खेल से? इसको सभी जानते होंगे ममता चंद्राकर को, तो जो है छत्तीसगढ़ गीत गायन से संबंधित है, ठीक है जी। जाने माने कलाकार हैं हमारे छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से साथ? रायगढ़ से, चित्तौड़गढ़, असीरगढ़ या सारंगढ़, ठीक है। तो राजा चक्रधर सिंह का जो संबंध है आपका रायगढ़ से है, ठीक है जी। तो ये जो कथक के जाने माने जो है कलाकार हैं, ठीक है। और हर साल ये जो है रायगढ़ में जो है ये इनका जो है महोत्सव होता है रायगढ़ में हर साल, ठीक है जी। तो इसी तरह रायगढ़ जो रायगढ़ से संबंधित रियासत है, ठीक है। राजा चक्रधर सिंह जो है रायगढ़ के यहाँ से जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा चक्रधर सिंह की जन्म स्थली कहाँ है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जिस रायपाली में, जगदलपुर में, रायगढ़ में, रायपुर में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राजा चक्रधर सिंह का जन्म स्थल कहाँ हुआ है? ये आपके रायगढ़ में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे बहुत सारे जो महोत्सव होते हैं, ठीक है, जैसे तातापानी महोत्सव, ये आपका कहाँ पे होता है? बलरामपुर में होता है। रामगढ़ महोत्सव, ये आपका जो है सरगुजा ज़िले में होती है। इम्पोर्टेंट जो महोत्सव है उसको याद रखिए, जैसे चक्रधर महोत्सव ये जो है रायगढ़ जिला में होता है, ठीक है। और शिवजी नारायण महोत्सव आपका जहांगीर में होता है। जाजल्लुद्दीन महोत्सव जहांगीर में। मल्हार महोत्सव ये कहाँ पे होता है? ये आपके बिलासपुर के अंतर्गत होता है, ठीक है जी। और राउत नाच महोत्सव जो 1978 से स्टार्ट हुआ है, ये आपका जो है बिलासपुर में होता है। रतनपुर महोत्सव ये आपके बिलासपुर में। और साथ ही साथ चंपारण का मेला रायपुर में, भोरमदेव महोत्सव कवर्धम, ये सभी जो महोत्सव है इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हो, आरआई के पेपर में, पीएससी में कई बार रिपीट हुआ है, व्यापम, सीएमओ, पीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? शहीद सुरेंद्र बहादुर शाह जी को, शहीद मीर नारायण सिंह को, शहीद गुंडाधुर को, या शहीद हनुमान सिंह को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो शहीद हनुमान सिंह को कहा जाता है। आपको याद होगा कई बार पढ़ाया हूँ, 1858 में जो है सैन्य विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका रायपुर में हुआ था, ठीक है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये जो हनुमानी सिंह जो इसके नेतृत्वकर्ता थे, जो भैंसवाड़ा के राजपूत थे, ये कौन से पद पर कार्य कर रहे थे? तो हनुमान सिंह जो है 3rd बटालियन के जो है मैगजीन लश्कर पद पर जो कार्यरत थे। इन्होंने मतलब किस घटना कारण, तो इन्होंने 1857 की क्रांति मंगल पांडे से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ 19 जनवरी 1858 को, ठीक, इन्होंने जो है सार्जन जो सिडवेट की इन्होंने हत्या कर दी। फिर लगभग 17 परिणाम क्या हुआ कि 17 सिपाहियों को 22 जनवरी 1858 को सरेआम इनको जो है फांसी पे लटका दिए गए। फिर इनको जो है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे इनको कहा जाता है, ठीक है। ये सुरेंद्र शाह जो है, ठीक है, ये जो सुरेंद्र शाह संबलपुर के जमींदार है, ठीक है, संबलपुर के थे। इनका विद्रोह संबलपुर विद्रोह 1857 में हुआ था, ठीक है जी। और ये जो 1864 में सुरेंद्र शाह को असीरगढ़ के किले में जो बंद रखा गया, ठीक है। फिर 1884 में इनकी मृत्यु हो गई और इनको छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद माने जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद किसको मानते हैं?
ये आपके सुरेंद्र शाह बहादुर जी को, ठीक है जी। यहीं पे देख शहीद वीर नारायण सिंह, इनका याद हो गया 1856 में आपका जो है सोना खान विद्रोह हुआ था, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वीर नारायण सिंह जो सोना खान के जमींदार थे, बिंझवार जनजाति के थे, यहाँ पे जो अकाल पीड़ित तो वगैरह यहाँ पे जो है मतलब अकाल पड़ गया था, ठीक है। लोगों को यहाँ पे जो है कसडोल के जो व्यापारी थे माखन लाल के, जो गोदाम को अनाज को लूट के जो है जनता में बांट दिया, फिर जो है इनको जो है अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे जो है गिरफ्तार किया गया, फिर फरार हो गया, फिर इनको जो है जो है पकड़ के लाए, सुरंग बना कर भागे थे इनको, फिर इनको जो है रायपुर के जो है स्तंभ चौक में जो है इनको चार्ल्स सिलियट के जो फैसले के अनुसार इनको फांसी दी गई। तब से भी नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रथम शहीद इनको माने जाते हैं। इनसे भी जितने भी ये सभी ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से है, रंगमंच से, खेल से, राजनीति से या गायन से? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हबीब तनवीर का जो संबंध रंगमंच से संबंधित विधा से संबंधित, ठीक है। तो हबीब तनवीर आप जानते होंगे, ठीक है जी, हबीब तनवर जो है नया थिएटर या हिंदुस्तान थिएटर के जो है संस्थापक माने जाते हैं। ये इनको जो है पद्म भूषण, ठीक है, इनको पद्म भूषण से जो है हबीब तनवीर को जो है नवाजा गया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं, देवदास बंजारे जो है किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पंडवानी, पंथी नृत्य, धनकुल या ढोकरा कला के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देवदास बंजारे जो है ये आपका पंथी नृत्य से जुड़े हुए कलाकार है, ये जो छत्तीसगढ़ अंचल में देखेंगे ग्रामीण इलाकों में तो सतनाम पंथ के लोगों के द्वारा ये नृत्य को जो है पंथी नृत्य को किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है जो नर्तक होता है कलाबाजी वगैरह पिरामिड बना के वगैरह जो है नृत्य करते हैं, ठीक है जी। इसके जो प्रमुख कलाकार जो है कौन है, तो ये आपका स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को कहा जाता है, ठीक है। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है जो इसमें आपका मांदर हो गया, झांझ वगैरह, इसका प्रयोग इस जो है पंथी नृत्य में किया जाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है, बिन्नी बाई को, सरला शुक्ला को, मुन्नी आपा को या तिजन बाई को, ठीक है। तो आपका रायपुर के नगर माता किसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम शहीद किसे माना जाता है, सुरेंद्र साय, बहादुर साय जी को, गुंडाधुर को, वीर नारायण सिंह को या ठाकुर प्यारे लाल के जी को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी इनके बारे में बताया हूँ, वीर नारायण सिंह, ठीक है जी, इनको जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। तो वीर नारायण सिंह जो सोना खान के जमींदार थे, 1856-57 का विद्रोह जानते हैं, ठीक है, अभी बताया इनके बारे में, तो इसको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन है, दाऊ मान जो मंदरार जी, ठीक है, दाऊ मंदरार जी के संबंध किस कला के विधा से है, पंडवानी, नाचा, सरहुर या लव शिल्पत? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दाऊ मांदरार जी जो का जो संबंध किस क्षेत्र है, जो नाचा, इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी जो प्रमुख संस्था है, ठीक है, चंदैनी रवेली नाचा पार्टी, ठीक है, रवेली नाचा पार्टी 1971 में इन्होंने जो है स्थापना किया था। तो दाऊ मंदरार जी का संबंध नाचा से है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। नाचा जो ये आपका जो है मराठा काल से जो प्रारंभ हुआ था, अभी भी नाचा देखें ग्रामीण अंचल वगैरह में जो है किया जाता है, टिक्स में जोकड़ वगैरह परी वगैरह बना के जो है वेशभूषा के साथ जो है मनोरंजन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है पुरुष जो है महिलाओं के वेशभूषा में जो है तैयार होकर जो है ये आपको मनोरंजन करते हैं लोगों का, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग कब की गई थी, 1920 में, 1924 में, 1930 में या 1938 में? तो रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की जो मांग है 1924 में की गई थी। डेट याद रखना है कि 1924 में जो है रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रथम बार, प्रथम जहाँ पे शब्द आता है तो अपने आप ही टोटल इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, पहला प्रथम ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग जो है 1924 में जो है किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे जो लोकसभा में जो है ये आपके जो है मतलब लाल कृष्ण आडवाणी थे, उनके द्वारा विधेयक जो है 25 जुलाई 2000 को जो है विधेयक प्रस्तुत किया गया था। फिर 31 जुलाई 2000 को जो है विधेयक पारित किया। फिर राज्यसभा में जो है 2000 में विधेयक, 3 अगस्त 2000 में विधेयक प्रस्तुत किया। फिर
9 अगस्त को जो है सन 2000 में विधेयक पारित किया। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आर के नारायण, ठीक है, के आर नारायण थे। तो 28 अगस्त को जो है 2000 को इन्होंने जो है हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसी समय लगभग छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड, झारखंड, अलग अलग राज्यों को भेजे, उसी साल यहाँ पे जो है स्थापना किया गया था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रायपुर की स्थापना कब हुई थी? रायपुर नहीं, आपका बिलासपुर है, ठीक है जी। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो बिलासपुर की स्थापना कौन से सन में हुई थी? 1964 में, 1967 में, 1983 में, या आपका 1987 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1983 में, 1983 में जो है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है कोनी बिलासपुर में है, ठीक है जी, कोनी बिलासपुर में आपका स्थित है। सन 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एकमात्र जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम बदलकर अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ कब किया था? 1993 में, 2000 में, 1998 में, या 1995? तो 1993 में, ठीक है जी, 1993 में छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ का नाम जो है या आपका अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ बेरोजगार संघ किया गया था 1993 में, इसको याद रखिए डेट को। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके जल प्रबंधन से, ग्रामीण स्वच्छता से, खाद्यान्न वितरण से, या आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार या स्वास्थ्य योजना संबंधित है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो संचालित जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से जो है जीवन ज्योति योजना को लाई गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा सहारा योजना, ठीक है, इंदिरा सहारा योजना में प्रति माह कितने रुपये की जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 125, 150, 225 या 250? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये जो इंदिरा सहारा योजना में प्रति माह जो है 125 रुपये आर्थिक सहायता की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का जो श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में गठन का जो श्रेय किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? भाजपा को, सपा को, कांग्रेस को, या बसपा को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन का जो श्रेय जो है भाजपा दल को दिया जाता है, ठीक है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है 2024 के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ जो सामान्य अध्ययन में जो है आर्ट एंड कल्चर लगभग 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, पूरा डिटेल के साथ पढ़ना तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। सभी एग्जाम को देखते हुए कंटेंट को तैयार किया गया, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, साथ ही साथ डेली बेस पे जो करंट अफेयर्स जो यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, साथ में जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स जो आपका एग्जाम आने वाली है तो उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है जो एग्जाम में जो है आया और पूछे जा सके, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।